जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 22 अक्टूबर और वार है मंगलवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर प्याज में जो बाद में जो बिका था वो क्या भाव बिका। साथ ही साथ मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले वीडियो में मैंने किसान भाइयों से बातचीत करी है, उनसे पूछा है कि आखिर उनका प्याज आज क्या भाव गया। साथ ही साथ हमने ये भी पूछा है कि आखिर उनके पास अब आगे कितना माल बचा हुआ है, उनके पास भी और गांव में कितना प्रतिशत माल अभी बचा हुआ है। दोनों तरह के प्रश्न किए हैं इस वीडियो में, आपको मुख्य रूप से ये जानने को मिलेगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं भाव का तो प्याज सहित भाव का वीडियो आपको इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मिलेगा। इस वाले वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी ये मिलेगी कि औसत किसान भाइयों का प्याज क्या भाव गया आज, और उसके अलावा उनके पास आखिर कितना माल बचा हुआ है अब, और गाँव में कितना प्रतिशत माल है। अब मेन मुद्दे वाली बात, क्या प्याज में आगे तेज़ी आएगी? तो जहाँ तक पहले से ही मैं कंडीशन में था कि प्याज तेज होगा, और अभी भी मैं उसी कंडीशन पे हूँ कि प्याज में तेज़ी आएगी। अभी तेज़ी आप लगातार दो दिनों से देख रहे हैं, कल भी 1-1.5 रुपये टाइट था, आज भी 1-1.5 रुपये टाइट है। लेकिन मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कतई ऐसा ना करें एक साथ माल लेके आ जाए जिनके पास बचा हुआ है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसा चल रहा है उसी तरीके से माल लाए, चाहे तेज़ी हो चाहे मंदा हो, दोनों सिचुएशन में हमको इसी तरह से माल बेचना, इस बात को आप समझना, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जो कहीं ना कहीं आगे भाव बढ़वाएगा। दूसरी चीज़, क्या अगर ख़राब हो रहा तो भी रोक के रखें? तो यार कितनी बार मैं बोलूँगा इस चीज़ को, अगर आपका माल ख़राब हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रश्न है किसान भाइयों के, तो मुझे लगता है कि उनका जवाब मैं बार बार दे चुका हूँ कि ऐसे अगर जो ख़राब हो रहा है उसको तो निकालो जितना जल्दी हो सके, अच्छा माल है उसको थोड़ा थोड़ा चलने दो, बाकी सब कुछ बढ़िया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार वो भाव जाएगा जिसकी मैं बार बार चर्चा कर चुका हूँ। आगे मैंने किसान भाइयों का रिव्यू लिया है, कितना माल बचा है और कितना आखिर उनने आज क्या भाव बेचा है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। जिन किसान भाइयों की शिकायत है उनको वीडियो नहीं मिलते हैं, मुख्य दो ही कारण, या तो वीडियो लाइक नहीं करते हैं आप जैसे वीडियो आता है, या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। आज 40 और घर पे कितना माल है? 150-200। और गांव में क्या कंडीशन होगी? गांव में कितना माल? 2-4, मतलब ज्यादा बचा ही नहीं अब। दादा आपका बिक गया? क्या भाव बिका अपना? 1-40 और 1.75। अभी घर पे कितना माल है? घर पे अब साफ हो गया, आज लास्ट था। और गांव की क्या कंडीशन है? गांव में 5% माल बचा है। 5% बचा है केवल। चले, जय जवान जय किसान जय बलराम। क्या मार्केट क्या रहा अपने यहाँ? 40-41 हाँ, और औसत में 38-40 36 आज मार्केट बढ़िया था, बढ़िया अच्छा था मार्केट, आगे भी उम्मीद यही है कि अच्छा ही रहे। चलिए, जय जवान जय किसान ये हमारे जय बलराम। चलो मैं आऊँ बाकी देखो। 3805। दादा आपका क्या बिका? हमारा गया 3540। 3540 अभी आपके पास घर पे कितना माल है? और अपना होगा यार 50-60 कट्टे आपके पास दादा? हमारे भी है 75-80। अच्छा, गांव की क्या कंडीशन है? गांव में कितना माल होगा? तो कम है, मतलब लास्ट का ही चल रहा है एक तरह देखो तो, है ना? एक आध दो बार आ जाएंगे, दिवाली पहले खत्म हो जाएगा वो तो। बाकी तो लगभग खत्म हो गया होगा ना, कोई ज्यादा विशेष बचा नहीं वैसे। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक दादा, तेजी 1-1.5 रुपये मान के चले। अभी कहाँ, मतलब औसत में कहाँ और ऊंचे तक कहाँ बिका? 3842 मतलब 41-42 कुछ है, बाकी 38-40। अच्छा, अभी वक्त की मैंने पूछा था वैसे, तो तावक कुछ ज़्यादा बता रहे क्या? ज़्यादा तो नहीं है ना, 40,000 के आसपास भी, उससे ज़्यादा क्या हो? 40-45 ना। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। दादा आपका बिक गया माल? क्या बिका अपना? 38। अभी घर पे कितना माल है? कितना फिर भी? 25%। अच्छा, अभी गांव में कितना माल है? बस कम ही बचा है, ज़्यादा नहीं है। चलिए, जय जवान जय किसान। आप भी लाए थे क्या? क्या भाव गया अपना? बड़ा भी 40,000 छोटा 40,000। अच्छा, और घर पे कितना माल है? 100-101 बोरी। और गांव में? गांव में 25% 25, नहीं इतना नहीं होगा थोड़ा, मतलब सबने भेज दिया लगभग लगभग। चलो, मूंगफली में दाना है पर तुम मेरा मामा नहीं है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। अभी क्या दादा? 41 अभी घर पे कितना माल है? 25 और गांव की क्या कंडीशन है?
मतलब एक एक बार हो जाए बस इतना है, बाकी लगभग खत्म। दादा आपका बिक गया? क्या भाव बिका आपने? 3600। और घर पे कितना माल बचा है? 300। और गांव की क्या कंडीशन होगी? जो माल अपनी है। दादा आपका क्या बिका? 40 रुपये 50 पैसे। भगवान करे 50 बोला है, अब आने वाले समय में 50 हो जाए। मूंगफली खाते रुको ना। अभी घर पे कितना माल है? 100 इकट्ठे हो रहे। और गांव की क्या कंडीशन है? कौन सा गांव कौन सा है? चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। अच्छा चालू बाला किया क्या? अच्छा उनसे पूछ लिया था मैंने। अच्छा गांव में कितना माल होगा? खत्म। वो देखो मैंने बोला ना आपको थोड़ा सा पापा से थोड़ा सा पूछना पड़ेगा क्योंकि उनका अनुभव ज़्यादा है। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। मार्केट आज स्थिति? आज 41-51 रुपये तक प्याज बिकी है। ठीक है। औसत में? औसत 38 रुपये मान के चलो। 38 से 40 के बीच में। मतलब आज मार्केट टाइट था अल्टीमेटली, है ना। दादा आपका क्या भाव बिका? 38 रुपये 51 पैसे। अभी घर पे कितना माल है? 70। और गांव की क्या कंडीशन होगी? अंदाज गांव में अंदाजन होंगे 150-200, उससे ज़्यादा नहीं है। दादा आपका क्या बिका? अच्छा है, साथ में आता। आपके पास घर पे भी है? अच्छा बेच दिया आपने। दादा आप भी लेके आए थे? क्या भाव बिका आपने? 3600 रुपये। और घर पे कितना माल है? अच्छा इनकी बारी वाली गोल्टी है। और घर पे कितना माल है अभी? और गांव की क्या कंडीशन होगी? लगभग एंड है। आप भी लेके आए थे? क्या भाव बिका आपने? 40 रुपये 51 पैसे। और घर पे कितना अभी माल पड़ा है? माल होगा 100 इकट्ठे। और गांव की क्या कंडीशन होगी? 150-200, बस उससे ज़्यादा नहीं है। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा। भाव बिका दादा आज अपना? 40 रुपये 50 पैसे। अभी घर पे कितना माल है? 100 इकट्ठे। और गांव की क्या कंडीशन होगी? थोड़े थोड़े बचे हैं। दादा आपका क्या बिका? 35। और घर पे कितना माल है? आखिरी था आज। और गांव में क्या कितना माल बचा होगा? गांव में भी खत्म है लगभग। दादा अपना क्या बिका? 38.5। और घर पे कितना माल है अभी? आज लास्ट था। और गांव की क्या कंडीशन होगी? कुछ मतलब 5% 10% कितना माल? 5-1% होगा। दादा आपका क्या बिका? 35। और घर पे कितना माल है अभी? 200। और गांव की क्या कंडीशन होगी? मतलब कितना होगा एक अंदाज? 10-15%। कौन सा गांव कौन सा अपना? दादा आपका क्या बिका? 42। और घर पे कितना माल है अभी? 40। 40 इकट्ठे बच्चे। अच्छा अभी गांव में कितना माल होगा एक अंदाज? कौन सा गांव कौन सा है? दादा आपका क्या बिका? 37 भी बिका और 38। तो 37 वाला दोनों अलग अलग प्याज थे। अच्छा अभी घर पे कितना माल है? आखिरी था। और गांव में कितना माल होगा? थोड़ा ही बचा है। आपका बिक गया दादा? क्या बिका अपना? 4000। 40 रुपये। अभी घर पे कितना माल है अपने पास? खत्म। और गांव में कितना माल होगा? बहुत कम है, हमें तो 5%। अच्छा 5% ही बचा होगा। आपका बिक गया दादा? अपना क्या बिका दादा? 4000। और घर पे कितना माल है? अब बिल्कुल खत्म हो चुका। और गांव में कितना माल होगा गंदा? 10% होगा। 10-1% और बाकी लगभग बिक चुका है। चलिए बाकी दादा तो है नहीं। चलिए दादा आपका आप भी लेके आए थे क्या आज? अपना क्या क्या आज? 40 रुपये। अभी घर पे अच्छा दागी दाल का। अभी घर पे कितना माल है और गांव की क्या कंडीशन होगी? बस 10-20-50। मतलब ज़्यादा मतलब गांव में अभी इतना बचे नहीं है। 4-5% होगा बस। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा। चलिए और किसान भाइयों से मिलेंगे, बात करेंगे उनसे। दादा आप भी लेके आए थे कच्चे तो?